मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके हैं और ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ ही रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में देश के पहले वेस्ट गैस पे आधारित पावर प्लांट की स्थापना किस जगह पे की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा कि राजस्थान में देश के पहले वेस्ट गैस पे आधारित पावर प्लांट की स्थापना से संबंधित स्थान कौन सा है। तो ब्यौर के अंदर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, एनटीपीसी कंपनी द्वारा 260 मेगावाट का सौर पीवी सेंटर राजस्थान में कहाँ लगाया गया हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेना। एनटीपीसी के द्वारा 260 मेगावाट का सौर पीवी सेंटर राजस्थान में किस जगह पे, किस जिले के अंदर लगाया गया। तो ये जोधपुर के अंदर है, जोधपुर में कहाँ पर, बड़ला के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, देश की सबसे बड़ी व बहुपयोगी सौर दूरबीन 4 अगस्त 2015 को उद्घाटन किया गया राजस्थान के किस जिले के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा और वीडियो के अंदर ईमानदारी से बताएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट में बताइएगा। तो देश की सबसे बड़ी व बहुपयोगी सौर दूरबीन जो कि 4 अगस्त 2015 को इसका उद्घाटन किया गया था राजस्थान के किस जिले के अंदर, तो ये उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, राजस्थान में विद्युत चोरी रोकने व विद्युत की छिजत को न्यूनतम करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई। राजस्थान के अंदर विद्युत यानी बिजली चोरी रोकने को, विद्युत की छिजत को यानी चोरी रोकने को न्यूनतम करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो इस योजना का नाम है दीनदयाल फिटर सुधार कार्यक्रम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, विश्व का एकमात्र पादप डिक्लिप्टेरा जो कि डिक्लिप्टेरा आबू एसिस राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूरे विश्व का एकमात्र पादप जो कि डिक्लिप्टेरा आबू एसिस राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो ये माउंट आबू अभ्यारण्य के अंदर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा जो है कब दिया गया, किस सन के अंदर इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया। एग्जाम में प्रश्न कई बार ये रिपीट हो चुका, आप लोग याद कीजिएगा। तो 1981 के अंदर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य के अंदर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, माउंट आबू अभ्यारण्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर एट की बात करें, राजस्थान में कहाँ पे जैविक अभ्यारण्य स्थित है। राजस्थान में किस जिले के अंदर जैविक अभ्यारण्य है, उदयपुर, जयपुर, कोटा या सिरोही। सही उत्तर आप लोग कॉमेंट में बताइएगा। तो जैविक अभ्यारण्य जो कि जयपुर के अंदर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, महाराजा सवाई तेसिया ने फॉरेस्ट सेटलमेंट किताब का जो है क्या नाम था। महाराजा सवाई तेसिया ने फॉरेस्ट सेटलमेंट किताब का क्या नाम था, तो उनकी किताब का नाम था पीली किताब। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य कुरंजा पक्षी व क्रोमन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जो कि कुरंजा पक्षी और क्रोमन के आश्रय के लिए फेमस है, जो कि तालसापुर अभ्यारण्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की न्यूनतम अनुपात है। राजस्थान के कौन से जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का न्यूनतम बहुत कम अनुपात है, जो कि डूंगरपुर है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का देश में स्थान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं कि राजस्थान का जो है इंडिया के अंदर जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं। तो जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का देश के अंदर स्थान है 8वां। ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राजस्थान राज्य में सर्प उद्यान किस जिले के अंदर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान के अंदर सर्प उद्यान जो कि किस जिले के अंदर है, आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। बूंदी, कोटा, झालावाड़, भरतपुर। तो सर्प उद्यान है जो कि कोटा के अंदर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या आपको बताना है। वर्ष 2011 के आंकड़े के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या, तो 6.16 करोड़, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस ज़िले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस ज़िले में सर्वाधिक दशकीय यानी 10 सालों के अंदर वृद्धि प्रतिशत सबसे ज़्यादा हुआ है, यानी पिछले 10 सालों में किस ज़िले में सर्वाधिक जो है वृद्धि हुई है, जो कि बाड़मेर के अंदर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है? राजस्थान के कौन से ज़िले के अंदर सबसे कम जनसंख्या, जहां पे बारिश की विषमता सबसे ज़्यादा है? जैसलमेर के अंदर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, राजस्थान के किस ज़िले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? राजस्थान के किस ज़िले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो श्री गंगानगर के अंदर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, राजस्थान सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? राजस्थान का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला, तो यहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर की है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है जैसलमेर का, सबसे कम क्षेत्रफल है धौलपुर का। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, राजस्थान का जनजातियों की दृष्टि से देश में कौन सा रैंक है? राजस्थान का जनजातियों की दृष्टि से देश में भारत के अंदर कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, राजा उदयभान ने कौन सा जो उद्यान बनवाया था? राजा उदयभान के द्वारा कौन सा उद्यान बनवाया गया था? एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि वन विहार अभ्यारण्य जिसको किसने बनवाया था, तो राजा उदयभान ने वन विहार अभ्यारण्य बनवाया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, राजस्थान में फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है किस जिले के अंदर है? राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर। सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, तो ये उदयपुर के अंदर है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, किस जिले में वन विहार अभ्यारण्य स्थित है? वन विहार अभ्यारण्य जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, किसने बनवाया था, लेकिन ये है कहाँ पर, किस जिले के अंदर है? तो ये धौलपुर के अंदर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, राजस्थान में अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क जो कि जोधपुर के अंदर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क जो कि कहाँ पे है, तो ये जोधपुर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य अजगरों के लिए फेमस है? राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है जो कि अजगरों के लिए फेमस है? तो रामगढ़ अभ्यारण्य, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो अभी आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। और ये भी बताया गया 25 में से आपके कितने सही, ईमानदारी से कॉमेंट कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो, राय या सुझाव देना हो, आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक कर देना और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको डेली राजस्थान जीके के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो रोजाना मिलते रहेंगे। और आप लोग जो है क्लासेस पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय।